हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है मिल्कवीड बटरफ्लाइज। अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है आपकी टीम द्वारा, टीम ऑफ रिसर्चर्स द्वारा, जिन्होंने यहाँ पर माइग्रेशन पैटर्न्स जो है मिल्कवीड बटरफ्लाइज का, ठीक है, सदर्न इंडिया में, उस पर फोकस किया है ना। और इस चीज़ को यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो स्टडी आई है इन रिसर्चर्स के द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। अब ये मिल्कवीड बटरफ्लाइज होती क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और ये किस तरीके से, कहाँ से माइग्रेट होके सदर्न इंडिया में हमें आती हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखिए, अन अकेडमी आप लोगों के लिए एक नया ऑफर लेके आ गया है, मे एक्सटेंशन ऑफर, जिसमें आप लोगों को फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। जब भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लोगे, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। क्या है कोड? AMS लाइव, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का जो सफर है, उसमें अनअकैडमी आपके साथ रहेगा। मान लीजिए किसी भी स्टेज पे इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक योर एग्जाम, तो अनअकैडमी आपको यहाँ पर फ्री एक्सटेंशन देगा। इसके लिए आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। इसके बाद अनअकैडमी आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है जी। और अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 साल का फ्री एक्सटेंशन यहाँ पर मिलेगा। तो जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। काफी अच्छा ऑफर है, आप लोग इसमें डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी आप लोगों के लिए 2 बैचेस लेकर आए हैं, आरंभ और लक्ष्य बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। देन फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, यू कैन एनरोल इनटू दिस एज वेल, इट्स एन ऑफलाइन बैच फॉर यू ऑल, ओके। और फिर अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट लेकर आए, जो कि कब है आपका, May 18 को, 18 तारीख को है। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, जो लोग यहाँ पर प्री देने वाले हैं 28 तारीख को, उनके लिए तो बेस्ट है। चलिए भाई, बात करते हैं यहाँ पर मिल्कवीड बटरफ्लाइज के बारे में। सो मिल्कवीड बटरफ्लाई जो है, दैट इज एनी ऑफ अ ग्रुप बटरफ्लाइज, ठीक है, जो कि ब्रश फुटेड बटरफ्लाई फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, निम्फैलिडे। नाउ जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज है, ये हमें ज़्यादातर आपके ओल्ड और न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में देखने को मिलते हैं। एंड सम वेल नोन मेम्बर्स जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सच एज द मोनार्क बटरफ्लाई और जो क्वीन बटरफ्लाई है, जो कि आपके टेम्परेट रीजन्स में रहती हैं। इनके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो दे आर लार्ज कलरफुल अडल्ट, दे हैव लॉन्ग, दे आर कलरफुल अडल्ट, हैव लॉन्ग यूजुअली ब्राउनिश और ऑरेंजिश विंग्स, ठीक है, मार्क्ड बाय ब्लैक एंड वाइट पैटर्न। तो जो इनके विंग्स होते हैं उन पर हमें ब्लैक और वाइट पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स रहता है, दे आर स्मॉल एंड दे आर नॉट यूज फॉर वॉकिंग एंड दे फ्लाई स्लोली एंड डेलिबरेटली। एंड सम सच एज दी जो आपकी मोनार्क बटरफ्लाई हैं, दे माइग्रेट टू ग्रेट डिस्टेंसेज। डाइट की बात करें, फीड करती हैं मेनली ऑन मिल्कवीड एंड समटाइम्स ऑन नाइट शेड, ओके। देन माइग्रेशन की बात करी जाए तो मिलियंस ऑफ मिल्कवीड बटरफ्लाइज, दे अंडरटेक अ माइग्रेशन बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स इन सदर्न इंडिया, सीकिंग अ रेफ्यूजी फ्रॉम द हार्श समर, ओके। एंड देन अ रीसेंट स्टडी, जो कि एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर समझा रही है, दैट द डोमिनेंट स्पीशीज जो है, जो कि इन्वॉल्व है माइग्रेशन में, द डार्क ब्लू टाइगर एंड द डबल ब्रांडेड क्रो, दे आर फाउंड ब्रीडिंग इन द मिड एंड हाई एल्टीट्यूड एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ओके। सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर बटरफ्लाई। इसके बाद आप देखोगे इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो माइग्रेशन है आपके मिल्कवीड बटरफ्लाइज का, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इकोलॉजिकल रोल ड्यूरिंग द माइग्रेशन, एज जो आपके पॉलिनेटर्स हैं उनका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करता है हमारे एंटायर इकोसिस्टम में। थ्रेट्स की बात करें तो इनका माइग्रेशन जो है, इट इज थ्रेटन्ड बाय द चेंजेस इन लैंड यूज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। और सजेशंस, बाय अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द माइग्रेशन, वी कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट दीज ब्यूटिफुल क्रीचर्स, जो कि हमारे इकोसिस्टम में
इनहैबिट हैं एंड स्टडिंग द माइग्रेशन पैटर्न्स एंड फीडिंग हैबिट्स कैन इम्पार्ट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. और जो स्टडी है दे हैज द पोटेंशियल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बटरफ्लाइज बिकॉज दे आर रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड दे आर द पार्ट ऑफ अ नेचर. ओके चलिए आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई स्पीशीज के बारे में चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी. ठीक है आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में. ओके सो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखना. ठीक है कॉमनली ऐसे याद रखने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको हाँ इसके लिए कोई कंप्लीट नोट्स बनाने हैं. सो इट्स समथिंग टू बी जस्ट रिमेम्बर्ड. ओके चलिए सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.